तो इस बार भी तुमने फैला ही दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अमित आज नहीं प्लीज। क्यों आज क्यों नहीं? अमित टुडे इज आवर एनिवर्सरी। एनिवर्सरी सो हंस के बात करना जरूरी है? तो मत करो बात, वैसे भी हम बात करते कब है? तो तुम भी मुझसे पूछ के पार्टी दिया करो ना। अमित इट वाज अ सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज यू नो you know I don't like surprises. लोग तो मुझसे आगे सवाल कर रहे थे ना। लोग मुझसे भी सवाल कर रहे थे अमित। सुना मैंने, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो यार तुम, कमाल की एक्ट्रेस हो। अमित मैं हैंडल कर रही थी। यही दिस एटीट्यूड आई डोंट लाइक इट। डोंट ट्राई टू सिंपथाइज विद मी, डोंट ट्राई टू पेट्रनाइज मी। अगर हिम्मत है ना तो सबके सामने जाके कहा दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। डिस्गस्टिंग यू आर। खुशियों से भरा वो पल गुमसुम सा क्यों है आज कल, खो गया जाने कब कहां। चल ढूंढे बीते हुए वो कल, सपनों से बना वो महल, अपना वो नीला आसमान। What do you think? Am I seriously pregnant or not? एक मिनट, लेट मी चेक। अमित लग तो रहा यार। अमित अमित नो लिसन, अभी कुछ नहीं। अमित आई एम रियली वरीड। अमित मैं मोटी हो जाऊंगी यार, टू स्टार्ट विद योगा फ्रॉम टुमारो। अरे आर यू मैड यार, डॉक्टर चकोले वो पहले कंफर्म तो करने दो। और यार कल का अपॉइंटमेंट लिया तो हुआ है। अंकल मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? ओ बेटा तेरी रिपोर्ट आ गई है लेकिन तू प्रेग्नेंट नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल अंकल, मतलब मैंने 2 महीने से अपने पीरियड स्किप किए हैं। वो तेरे पीरियड्स ना ये सिस की वजह से स्किप हुए हैं। ये यूटीआई की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी दवाइयां लिख दूंगा ठीक हो जाएगी। क्यों लोड ले रही है तू? अंकल दवाई लेने के बाद मैं कंसीव कर सकती हूँ ना? एकदम कर सकती है कंसीव बेटा, क्यों नहीं कर सकती है? ओके लेकिन अमित बेटा तुम्हारी जो मैंने रिपोर्ट देखी है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब? मतलब वो क्या है कि तुम दोनों फिलहाल ना पेरेंट नहीं बन सकते हो। अंकल व्हाट डज दैट मीन? बेटा अमित के स्पर्म काउंट बहुत कम है इसलिए फिलहाल ऐसा कर तू ये रिपोर्ट देख ले। इसका मतलब वी कांट बिकम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ मी? बेटा अमित इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आजकल बहुत तरीके आ गए हैं। और यार तुम दोनों चाहो तो बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो। चल बीते हुए वो कल, सपनों से बना वो महल, अपना वो नीला आसमान।
ऐसे खाने से बेटर है अमित कि तुम ना खाओ. व्हाट इज योर प्रॉब्लम अमित, टेल मी. तुम्हें पता नहीं है मेरी प्रॉब्लम क्या है? और भी रास्ते हैं अमित. चिल्ला के बोलूं सबके सामने, बाहर खड़े होके सबको बता दो कि अमित की प्रॉब्लम क्या है. किक्कू को बता दो, मम्मी को बता दो, डैडी को बता दो, बहनचोद, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. डोंट यूज दिस अब्यूसिव लैंग्वेज हियर. ये सब तुम्हारे ऑफिस में चलेगा. मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, समझी? अमित यू आर सिक, तुम पागल हो चुके हो पूरे. यू नो व्हाट मानसी, आई एम डन विद यू. आई कांट बिलीव इट. एक्चुअली गलती मेरी है. शादी से पहले मुझे सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए थे ताकि तुम्हें पता चल जाता. करवाना चाहिए था ना तुम्हें टेस्ट. यू नो व्हाट मानसी, लेट मी डिवोर्स यू. फिर तुम किसी और से शादी कर लेना और उसे 10 बच्चे पैदा कर लेना. यू नो व्हाट अमित, तुम्हें यही चाहिए ना. लेट्स डू इट. लेट्स डिवोर्स देन. और तब तक ना तुम उससे बात भी मत करना. बोलूंगा बोलूंगा. बोलो क्या करोगी तुम. अमित लीव मी. ना बोलो ना. अमित लीव मी अदरवाइज आई विल स्लैप यू. स्लैप मी नो. अमित मैं कल जा रही हूँ. अब तो तुम्हें वार्डरोब में काफ़ी जगह मिलेगी कपड़े रखने के लिए, और वॉशरूम में सिगरेट भी पी सकते हो. तो अब तो मैं कोई टोकने वाला नहीं होगा. मानसी प्लीज, क्या हम 2 मिनट के लिए नॉर्मली बात कर सकते हैं? सो What's next? I don't know. मानसी जिंदगी भी अजीब खेल खिलाती है ना. जूनियर ट्रेनी से कॉपी राइटर बना दिया, कॉपी राइटर से एड फिल्म मेकर बना दिया. जिससे प्यार करता था उससे शादी करा दी. लेकिन साला इम्पोटेंट बना के छोड़ दिया. अमित डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा. कुछ ठीक नहीं हो सकता मानसी. नो आई मीन आई नो आई एम रॉन्ग, पर मानसी मानसी तुम शादी कर लो, तुम मां बन जाओ. मैं मां नहीं बन सकती अमित. क्या? What do you mean? मैं मां अब नहीं बन सकती. बेटा मानसी तू सोच ले थोड़ा सा.
और इसके बाद तू माँ नहीं बन पाएगी। बेटा स्टेरिलाइजेशन करवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा क्यों किया मानसी तुमने? अमित प्लीज डोंट लीव मी। इस दुनिया में ना तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज डोंट लीव मी अमित। वो कहते हैं ना, उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि हम ही उसे छोड़ देते हैं।